ये है दाल मखनी, क्या बात है। अमृतसर में दाल मखनी, और ये लग रहे हैं परांठे, और ये बनी है पनीर की भुर्जी, क्या बात है। छुट्टियों का स्वाद आ गया छोटे। हाँ भैया, मैं आया हूँ छुट्टी पे, और हमारी भाभी बना रही है दाल मखनी, खूब सारा मक्खन डाल के। ये कैसे बनता है दिखाओ तो सही। ओहो, ये परांठे लग रहे हैं तंदूरी परांठे घर के। महफिल सजी हुई है हमारी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज कैप्टन नितिश अरोड़ा विद यू। तो आज का जो वीडियो है वो इसके ऊपर है कि फ्लाइंग स्कूल, लोग बहुत बोलते हैं कि हमें अब्रॉड से ट्रेनिंग करनी चाहिए या इंडिया से ट्रेनिंग करनी चाहिए, तो उसका कंपैरिजन करके सर हमें प्रोज एंड कॉन्स बताइए कि क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं फ्लाइंग स्कूल अब्रॉड और इंडिया के। तो आज की डेट में जो ज़्यादा ट्रेंड है, दैट इज़ अब्रॉड की तरफ लोगों का ज़्यादा ट्रेंड है। क्यों? क्योंकि अब्रॉड में इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा होता है, प्लस नंबर ऑफ फ्लाइंग स्कूल ज़्यादा है, एक्सपोजर ज़्यादा है, ट्रेनिंग जल्दी होती है, एंड कुछ कुछ जगहों पे तो ट्रेनिंग सस्ती भी है इंडिया से, तो इसलिए अब्रॉड को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। बाकी इंडिया में भी इस टाइम पे 30 से 32 फ्लाइंग स्कूल्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन मौसम की वजह से, कई बार मानसून की वजह से, विंटर्स की वजह से, तो वहाँ पर काफ़ी सारी वेदर रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, प्लस इंडिया में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है एयरक्राफ्ट का, एयरपोर्ट्स का, जिन पे फ्लाइंग ट्रेनिंग होती है, तो इस वजह से ट्रेनिंग काफ़ी स्लो हो जाती है। ये इसलिए लोग फॉरेन को प्रेफर करते हैं। अब्रॉड में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत सारी कंट्रीज़ में अवेलेबल हैं, यूएस में हैं, कनाडा में हैं, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और भी वेरियस प्लेसेस यूरोप में बहुत सारी जगहों पे हैं। तो वो डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर कि आपका कितना बजट है ट्रेनिंग का, तो उसी के हिसाब से आप फ्लाइंग स्कूल चूज़ कर सकते हो। यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 45 से 50 लाख रुपए तक का आपका टोटल खर्चा आएगा। एज़ कम्पेयर टू साउथ अफ्रीका इट विल बी मच चीपर, अराउंड 35 लाख तक का आपका खर्चा आएगा साउथ अफ्रीका में ट्रेनिंग का, CPL ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा जो आपका खर्चा आएगा, दैट विल बी योर टाइप रेटिंग एंड योर कन्वर्जन एंड ऑल। तो आपको ये अपने बजट के हिसाब से देख के चलना है कि कितना बजट है आपका ट्रेनिंग के लिए। इंडिया में ट्रेनिंग आपको 25 से 30 लाख रुपए से शुरू होके 50 लाख तक जाती है, जो कि वेरियस स्कूल्स में रहती है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन का कोई भरोसा नहीं है। अगर आप अब्रॉड में ट्रेनिंग करते हो तो आप टाइम ड्यूरेशन मान सकते हो तकरीबन 12 मंथ्स टू 14 मंथ्स, डिपेंडिंग अपॉन योर बजट आप चूज कर सकते हैं कि आपने ट्रेनिंग कहाँ से करनी है। इसके अलावा प्रोज एंड कॉन्स की लोग बात करते हैं, तो एज सच कोई प्रोज एंड कॉन्स नहीं है। प्रोज आप मान सकते हो कि हाँ, ट्रेनिंग के लिए आपको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, बेटर क्वालिटी ऑफ एयरक्राफ्ट्स मिलेंगे, एक्सपोजर जो मिलता है, क्योंकि फॉरेन में काफ़ी सारी जगहों पे कंट्रोल्ड एयरपोर्ट्स रहते हैं, तो जिनसे आपको बहुत ही अच्छा एक्सपोजर मिलता है, प्लस ऑब्वियसली थोड़ा सा इंग्लिश का स्टैंडर्ड वहाँ पे थोड़ा सा हाई रहेगा, तो इसकी वजह से भी थोड़ी ट्रेनिंग क्वालिटी बढ़िया रहती है। एज़ कम्पेयर टू इंडिया, जब आप इंडिया में आते हैं तो एयरपोर्ट्स की तादाद अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, प्लस मोस्टली जो ट्रेनिंग है वो अनकंट्रोल्ड एयरपोर्ट्स पे रहती है, तो उस वजह से थोड़ा सा लैक रहता है। एंड इंडिया में ज़्यादा स्कूल्स ना होने की वजह से, और उन्हीं स्कूल के पास ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से, ट्रेनिंग में थोड़ा सा कहीं ना कहीं गैप रहता है, तभी इंडिया में ट्रेनिंग डिलेड रहती हैं एज़ कम्पेयर टू अब्रॉड। तो आप लोग अपने बजट के हिसाब से फ्लाइंग स्कूल चूज़ कर सकते हैं, इंडिया में करनी है या अब्रॉड में करनी है। फ़र्क यही है कि अगर आप अब्रॉड से ट्रेनिंग करके आते हैं तो इंडिया में आके आपको कुछ स्किल टेस्ट देने पड़ते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 8 आवर्स से लेके 20 आवर्स तक, एंड फिर आपका लाइसेंस कन्वर्ट हो जाता है, आपको इंडियन लाइसेंस भी मिल जाता है कन्वर्ट करवा के। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट्स, एनी अदर कमेंट्स, या आपका कुछ और फर्दर कुछ पूछने का मन है, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। दिस इज कैप्टन नितिश अरोड़ा विद यू, डू सब्सक्राइब माई चैनल, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, लिंक इज गिवन बिलो। थैंक यू सो मच।